Good morning. Today we are going to start our new lesson, lesson number 13, our environment and pollution. Environment jo hamara kya environment kya hai hamara? What is environment? Surroundings makes our environment. And pollution jo hamare charo taraf pollutions hai. Different kinds of pollutions hai. Kuch air pollution, land pollution hai hamara, noise pollution hai. So they all are very harmful. Look at these images. Do you think such dirty conditions are good for our health? See, यहाँ पे सारा कचरा है, पानी के अंदर कचरा है, और जो factories है वो smoke, कितना गंदा pollution फैला रही है. तो ये सब चीजें जो है they all are very harmful to us. So, the place where we live and its surroundings make an environment. जहाँ पे हम रहते हैं और जो उसकी surroundings है वो एक environment बनता है. एक कहीं पर बहुत fresh environments होते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा जहाँ फैक्ट्रीज है वो एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी मैसी है, जैसे वहाँ मच्छर होते हैं, वहाँ पे बहुत तरह तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियाँ होती हैं. सो वो भी सही. द आर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स डैट लिव अराउंड अस. तो पूरा एनवायरनमेंट जो है, जो वातावरण है, वो कैसे बनता है, किस चीज़, क्या क्या चीजें हैं उसमें. लैंड आती है, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स डैट लिव अराउंड अस, जस्ट दे ऑल मेक अ एक एनवायरनमेंट बनता है उससे. व्हेन द एनवायरनमेंट्स गेट डर्टी और फुल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. और जब उस वातावरण में हर चीज हार्मफुल हो जाती है, डर्टी हो जाती है, और हर मतलब कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें ऐड होते जाते, उससे क्या होता है, जो वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का वातावरण है, वो पूरा पोल्यूटेड हो जाता है. प्रदूषण जैसे हम बोलते हैं, वो हो जाता है. सो पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल, और वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. वी मे फॉल सिक इट We live in a polluted environment. जब हम पूरे प्रदूषित वातावरण में रहेंगे, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए भी क्रैकर्स बर्न होते हैं, तो एकदम से जब बहुत सारे दिवाली वाले दिन क्रैकर्स बर्न होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एकदम से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. उसी एक दिन में अगर कैसे होता है, तो जो जितनी फैक्ट्रीज हैं, कितना पॉल्यूटेड एरियाज है बहुत सारे, तो वो कितना हमारा इन्वायरमेंट अनसेफ करते हैं. दैट इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस. अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस क्या है, कैसे कैसे, एक तो सबसे पहले हमारा लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशंस, दे ऑल आर वेरी हार्मफुल टू अस, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स ऑल्सो, फॉर प्लांट्स ऑल्सो. ऑल दीज पॉल्यूशंस आर नॉट गुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द लैंड पॉल्यूशन. वी पॉल्यूट द लैंड वेन वी थ्रो गार्बेज. जब हम कूड़ा कचरा जितना भी है हम ओपन में फेंकते हैं और उस डस्टबिन नहीं यूज करते हैं, सो दैट इज ए लैंड पॉल्यूशन. हैव यू सीन ओपन फॉर ओवरफ्लोइंग गार्बेज डंप्स समटाइम्स व्हेन वी गो फॉर पिकनिक और टू अ फेयर. वी ईट लॉट ऑफ स्नैक्स एंड थ्रो द रैपर्स, यूज्ड प्लेट्स एक्सेट्रा इन द ओपन. By doing so, we make the land dirty and polluted. Many germs are born in these dirty places. These germs can cause diseases. Diseases? बहुत सारी बीमारियां करते हैं ये. जब हम वो जितने रैपर्स है जो सब हमने वहां खाया करा और उसको ऐसे ही फेंक दिया ओपन में, तो डैट इज नॉट गुड. उससे पूरी जो हमारी लैंड है, जो हमारा पूरा वहां पे जगह, वो पूरी की पूरी पॉल्यूटेड होती है, डर्टी होती है, और उससे बहुत सारे जर्म्स होते हैं. सो हाउस फ्लाइज, बहुत सारी मक्खियां आती हैं, तो वो सब क्या करती है, उससे डिजीजेस पैदा होती हैं, उससे कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं. वाटर पॉल्यूशन. मैनी पीपल थ्रो गार्बेज इन टू द वाटर बॉडीज. वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो फ्लो इन टू द रिवर्स. बहुत लोग, जितने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारा कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं, वाटर बॉडीज में, नदी में, कई बहुत सारी जितने भी हमारे वाटर फ्लो बॉडीज है उसमें वो कचरे को फेंकते हैं. वेस्ट मटीरियल फ्रॉम फैक्ट्रीज, जितना हमारा वेस्ट है वो जाके कहाँ पे ऐड होता है, फैक्ट्रीज का, रिवर्स में. ऑल दिस मेक्स द रिवर वाटर पोल्यूटेड. वाटर also gets dirty when we take a bath or wash our clothes in it.
पानी हमारा तब भी गंदा होता है जब हम उसमें बाथ लेते हैं और कपड़े धोते हैं. एनिमल्स ऑल्सो बाथ इन रिवर्स मेकिंग द वाटर डर्टी. और एनिमल्स भी वहाँ जाकर अपना बाथ लेते हैं और वो उसको और गंदा करते हैं. पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज मैनी डिजीजेस. इफ द वाटर गेट्स वेरी पॉल्यूटेड फिश एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन वाटर बॉडीज मे डाई. वी शुड नॉट ड्रिंक पॉल्यूटेड एंड डर्टी वाटर. तो उस पॉल्यूटेड वाटर से क्या होगा, उससे जितने भी उस पानी में जीव हैं, जितने भी उस पानी में फिशेज हैं, अदर एनिमल्स लिविंग हैं उसमें, वो सब मर जाएंगे. सो क्लोरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस आर सम ऑफ दीज डिजीजेज कॉज्ड बाय जर्म्स इन वाटर. दीज आर कॉल्ड वाटर बोर्न डिजीजेज. सो हमें कई बीमारियां इस पानी की वजह से भी लगती हैं. तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप द वाटर क्लीन. वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर. और हमें जितने भी हमारा वाटर बॉडीज है, वेस्ट मटेरियल्स है, उसको वाटर में, उसमें रिवर्स में ऐड नहीं करना चाहिए. एनिमल्स को भी ट्राई करना चाहिए कि हमें बाहर उनको वहीं पर नहलाना चाहिए, रिवर के अंदर नहीं भेजना चाहिए. सो दे आर मैनी प्रिकॉशंस वी शुड टेक फॉर वाटर ऑल्सो. सो Now we will continue with air pollution. Air pollution is caused by smoke from vehicles and factories. जो धुआं निकलता है वो वहीकल से, हमारा जो बस कार सब हैं उससे, स्कूटर स्कूटी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रक और फैक्ट्री से आता है. When we burn garbage and leaves in open, the smoke makes the air dirty. Polluted air is very bad for our health. We may fall sick and suffer if we breathe in dirty air. अगर हम सांस भी लेते हैं डर्टी एयर में तो वो भी हमारे लंग्स में जाती है. हम उसको ब्रीथ कर रहे हैं और उससे हमारे जो अंदर लंग्स में, हमारे फेफड़ों में प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए डर्टी एयर की जब हम सांस लें उससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं. फॉल सिक सफर इफ वी ब्रीथ इन डर्टी एयर. सो लास्ट इट्स द नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस. उससे हमारे जो कान के पर्दे हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है. यहाँ तक कि एनिमल्स डॉग्स उनको भी दर्द होती है जब वो बहुत तेज़ नॉइज सुनते हैं. वो भी चिल्लाते हैं, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं. वी लव सूथिंग म्यूजिक और स्वीट चर्पिंग्स ऑफ बर्ड्स. बहुत धीरे अच्छा बहुत धीरे वाला जो म्यूजिक है वो हमें आता है. लाउड अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज. बहुत तेज़ जब चलता है तो वो हमारे को, हमारा सर दर्द करता है उसके नॉइज से, हमारे कानों में दर्द होती है. नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वेरी लाउड साउंड्स सच एज बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, लिसनिंग टू म्यूजिक इन हाई वॉल्यूम, हॉन्किंग लाउडली एक्सेट्रा. नॉइज पॉल्यूशन कैन अफेक्ट हेयरिंग एंड मेक अस इल. सो जो हमारा ये पॉल्यूशन है नॉइज का, वो क्या अफेक्ट करता है हमारे सुनने में, हेयरिंग में, और मेक अस इल. सो ट्राई टू रीड दिस लेसन अगेन एंड हाउ मेनी पॉल्यूशंस वी हैड जस्ट रेड इट. सो गो थ्रू इट एंड वी आर गोइंग टू डू हार्ड वर्ड्स इन आ नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.